हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंड आपके लिए एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसएससी के अंडर में जो एमटीएस का फॉर्म आने वाला था, फाइनली ये जो फॉर्म है ये रिलीज हो चुका है। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं आपको जल्दी जल्दी इसके सारे की पॉइंट्स बता दूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो फॉर्म आपका यहाँ रिलीज हुआ है, इसको फिल करने का, इसको सबमिट करने का, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो टाइम है वो 22 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक रहेगा। बट मैं आपसे ये कहूँगी कि फॉर्म को थोड़ा जल्दी भर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में जाते जाते आप भी जानते हैं कि साइट्स वगैरह दिक्कत करती हैं, तो इसको टाइमली फिल कर लीजिएगा। दूसरा, लास्ट डेट यहाँ पर किस चीज़ की, जो पेमेंट वगैरह आप करते हैं उसकी लास्ट डेट ये, बट अगेन आई रिपीट, टाइमली इस काम को ख़त्म कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए यहां पर क्या है कि ये जो पर्टिकुलर यहां पर आपका नोटिस आया है या फिर ये जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी में ये ध्यान रखिएगा कि ये जो पेपर आपका होगा, पहला जो पेपर है जिसकी यहां पर डेट बताई जा रही है, टेंटेटिव है, ठीक है, July 2022, और इसके अंदर जो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा उसके लिए अभी इन्होंने डेट नहीं बताई है। खैर, अब आपका जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जुलाई है ना, मार्च खत्म, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का समय आपके पास में बचा हुआ है, और इस 3 महीने में आपको कितनी पढ़ाई करनी है ये आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बताई जा रही है, खैर जितनी भी वैकेंसीज हों वो मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि आपके लिए अलग अलग सेक्शंस हैं। ये सब चीज़ें तो खैर हमारे काम की नहीं है, हमारे पॉइंट का जो आया है वो तो एलिजिबिलिटी, ये क्राइटेरिया भी आप जानते ही जानते हैं, इसमें कुछ बताने वाला नहीं है। एज याद रखिएगा, एज का यहाँ पे क्राइटेरिया है, ठीक है, 18 से 25, और ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 1 जनवरी से काउंट करी जाएगी आपकी एज। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के लिए रिलैक्सेशन वगैरह जो है वो भी दिया जाता है, ये भी आपको मालूम है, इसमें भी कुछ नहीं बताना है। ओके, अब अगला आता है, एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिजर्वेशन यहाँ पर होता है, ये भी आपको मालूम है। अब पॉइंट आता है यहाँ पर किस चीज़ का, कि ये जो पर्टिकुलर एग्जाम है ना, इस एग्जाम के अंदर 3 महीने का समय है। मैम क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है। अब देखो यार, एक बात हमेशा याद रखना कि अब तुम कोई भी पेपर जब देने जाते हो तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है आजकल वो होता है आपका जीके या फिर जीएस का पार्ट, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आजकल ये हो गया है। क्यों हो गया, इसका रीज़न भी आपको पता है, इसमें भी कुछ नहीं मुझे बताना है, बट ये ध्यान रखिएगा कि ये एग्ज़ाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं, तो जितनी शिद्दत के साथ आप अपनी तैयारी को कर सकते हो कर लीजिएगा। करेंट अफेयर्स आपको मालूम है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, वही सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे। आप इस वेबसाइट पे जाके लॉग इन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ssc.nic.in पे। इसके अलावा जो आपके स्पेशल क्लासेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, स्पेशल क्लासेस 10:15, 1:30 और शाम को 4 बजे अनअकैडमी पे होते हैं। और हाँ, फोटो के लिए ध्यान दीजिएगा, इफ द प्रॉपर फोटोग्राफ इज नॉट अपलोडेड फॉर्म विल बी कैंसल्ड। ये पॉइंट मुझे आपको बताना था कि अगर आपकी फोटो जो है वो प्रॉपर नहीं है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों के जो फॉर्म थे वो कैंसिल हुए थे, तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा प्रॉपर आपकी फोटो यहाँ पर अपलोड होनी चाहिए। फी कितनी है, 100 रुपीज़ यहाँ पे फी है, जिसके बेसिस पे आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, बस ध्यान रखना भैया टाइमली इसको क्या कर दीजिएगा, सबमिट कर दीजिएगा। एंड क्लासेस को कैसे करना है, कहाँ कहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। इसका पूरा जो PDF है मैंने टेलीग्राम पे आपको शेयर भी कर दिया है, कृति करंट अफेयर्स ऑफिशियल। अब नहीं तो कभी नहीं, ये वैसी वाली सिचुएशन है, डू और डाई वाली सिचुएशन जो होती है ना, बिल्कुल वही वाली सिचुएशन है आपके सामने। तो बिल्कुल भी समय को ना जाने दें, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लीजिए, 3 महीने का समय बचा है, अपने सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करो। बट ये मत सोचना कि करेंट अफेयर्स जो है कितने टाइम का पढ़ेंगे, कैसे होगा, तो बेटा आखिरी में जब एग्ज़ाम होना है उसके 5 दिन पहले से आप करेंट अफेयर्स स्किप कर सकते हो, बट तब तक आपको बहुत ही शिद्दत से पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए 7 बजे आपको उठ के आना ही पड़ेगा। स्पेशल क्लासेस में आपका GK भी पढ़ा रहे हैं, GS भी पढ़ा रहे हैं, प्रीवियस ईयर भी करवा रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और रिवीजन का सेक्शन शाम को 8 बजे इसी चैनल पे आपको पढ़ाया
पढ़ाया जाता है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, तो होप कि आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी करेंगे और सिलेक्शन को लेकर आएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू ऑल।